नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी लगातार हमारे द्वारा मिलती रहती है। अभी एक नई जो है एडवर्टाइजमेंट आई है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के अलावा TGT PGT PRT लेवल की टीचिंग वैकेंसीज़ को लेकर, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कहाँ पर निकली हैं वैकेंसीज़ और क्या इनका प्रोसेस होने वाला है और कैसे आप फॉर्म अप्लाई जो है कर सकते हो, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बने रहे साथ लास्ट तक। अगर जानकारी अच्छी मिले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चाहते हैं कि लगातार अपडेट आपको इस प्रकार की मिलती रहे हमारे द्वारा, जो भी अपडेट आपको दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आपकी वैकेंसी से जुड़ी मिस ना हो। तो अब बात कर लेते हैं कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है। ये है भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी, आर्मी पब्लिक स्कूल मऊवा MP से वैकेंसीज आ रही है। प्राइवेट अन एडेड स्कूल है, और ये जो है टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वैकेंसीज हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ PGT की, तो PGT की जो एडहॉक पे वैकेंसीज है फिजिक्स एंड साइकोलॉजी की। TGT की हम बात करें तो इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर एंड PET की वैकेंसी एक है यहाँ पे। इसके अलावा PRT की यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो, मदर क्लास टीचर, प्राइमरी टीचर फॉर क्लास 3rd एंड 5th। PRT की मैं बात करूँ एक्टिविटी पे, तो यहाँ पे PTA की वैकेंसी भी है आपकी, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, योगा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। एडमिन स्टाफ में ये, नॉन टीचिंग स्टाफ में आपकी ये वैकेंसीज यहाँ पे हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपको जो है मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट इन विच एम्प्लॉयड इज शॉर्ट विद BEd एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन इच। TGT की हम बात करें तो सब्जेक्ट जो भी आपका है उसके हिसाब से आपके पास जो है होनी चाहिए BEd की डिग्री और आपका ग्रेजुएशन। इसके अलावा TGT PET यहाँ पे आपके पास BPed DPed हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास DPed अवार्डेड बाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 एकेडमिक सेशन प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एटलीस्ट ए यूनिवर्सिटी डिग्री और बैचलर डिग्री स्पोर्ट्स ह्यूमनिटीज एंड फिजियोलॉजिकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। हिसार से भी आपने कर रखी है तो भी चलेगी। इसके अलावा PRT पे देख सकते हो 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है आपका JBT का वो। इसके अलावा PTI के लिए नो स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज लेट डाउन फॉर द एक्टिविटी टीचर। Their selection will be subject to sustainable based on experience and language as assumed by the board. Communication skill in English mandatory. यहाँ पे बाकी की भी देख सकते हो, तो टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो मैंने बता दी क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा फॉर्म जो है कैसे आपको अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट www.APSMOWA.org। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको जो है स्कूल के एड्रेस पे भेजना है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी भेजनी अपनी मार्कशीट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी भेजना है। वो स्कूल में जो है 12 जून से पहले पहुँच जाना चाहिए भाई। DD ऑफ 100 रेट्स इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मऊवा, ये भी आपको कटवाना है, ठीक है। इंटरव्यू डेट आपकी रहेगी 16 जून से 19 जून के बीच। स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व ऑल द राइट ऑफ सिलेक्शन रिजेक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मेरिट। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल, आपको वहां पे ईमेल के द्वारा नहीं वैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके भेजना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको इस साइट के ऊपर जो है मिल जाएगा, वो आपको फिलअप करके भेजना है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी प्रकार की जानकारी आगे चाहते हो तो वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो को वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।